अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम दाल, सादा दाल बनाने जा रहे हैं। ये प्याज है एक दरमियानी साइज़ का और एक स्पून घी है। ये लहसुन अदरक है और साथ ग्रीन चिली है। ये दो टमाटर है और ये एक पाव दाल है। आज हम इसको बनाने जा रहे हैं। प्याज को अच्छी तरह पकाएंगे जिससे इसका कलर ब्राउन हो जाए। हम इसमें अदरक, लहसुन और जो ग्रीन चिली का वो बनाए पेस्ट, उसको शामिल करेंगे और अच्छी तरह पकाएंगे। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो गए, पक गए। अब हमने इसमें जो गार्लिक जिंजर पेस्ट बनाया था वो शामिल कर लिया। अब इसको अच्छी तरह दो तीन मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इससे ये कच्चापन निकल जाए, फिर शामिल करेंगे। फ्राई हो गए, अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे और इसके साथ मसाले शामिल करेंगे। अब इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं मसाले, आधी चौथी चम्मच हल्दी, एक टेबल स्पून खुश धनिया, चौथी चम्मच जीरा। तीन मसाले हमने शामिल कर लिए हैं। ये मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें हम दाल शामिल करेंगे और साथ नमक। दाल शामिल करने जा रहे हैं और दालों को पहले तीन गिनती के लिए पानी में गर्म पानी और मीठा सूडन बिल्कुल साफ, ये तीन चार गिनती के लिए जो भी दाल है, लोबिया है, छोले, इसको भिगो दे। वो ये इसका फ़ायदा है कि पेट में गैस पैदा नहीं करता। अब एक चम्मच नमक शामिल करने जा रहे हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कर सकते हैं और मसाले। इसमें पानी शामिल करने जा रहे, पानी इतना डालेंगे जिसमें ये डूब जाए, ज़्यादा नहीं डालेंगे और इस पानी में ये नरम हो जाए, इतना पानी डालेंगे।